राज्य के 16वीं विधानसभा का पहला सत्र प्रश्नकाल में गूंजेंगे जनहित के मुद्दे। विधानसभा में आज होगी शोक का अभ्यर्थी। चुनाव जीतने के हिसाब से इन्होंने 22/2/2022 तक के सभी कनेक्शनों को डिमांड नोट जारी कर दिए। किसानों ने बिचारों ने इस अपेक्षा में डिमांड नोट भर दिए कि मुझे जल्दी कनेक्शन मिलेगा। स्थिति यह है कि वहाँ पर न तो कोई अभी पहुँचने के लिए उन ट्रांसमिशन लाइनों की ताकत है कि वहाँ प्रसारण पहुँच जाए, और न वहाँ के वितरण में इतनी क्षमता है कि वहाँ पर हम सबको कनेक्शन दे करके, और उनके ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं, ट्रिपिंग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस सरकार के किए हुए जो कुकर्म हैं उनको हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये व्यवस्था ठीक करने में हमें 2-2.5 साल लगेंगे। नहीं, रबी की फसल के लिए किसानों को निश्चित रूप से बिजली दी जा रही है। 6 घंटे बिजली देने का जो अभी हमने निर्देश दे रखा है वो निरंतर मिल भी रही है। हाँ, कहीं कहीं पे जब ट्रिपिंग आ जाती है, ओवरलोड हो जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, उस समय जो कमी रहती है उसको प्रयास करते हैं कि आगे लाइन ठीक करके दुरुस्त होने के बाद, फॉल्ट निकालने के बाद, फिर उन्हें वो जो उनका बीच का गैप रहा उसको भी पूर्ति की जाए। इसका निरंतर निर्देश भी है और प्रयास भी कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को आप सुन रहे थे। जाहिर सी बात है, अब प्रदेश में मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के सारथी हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, यही कहेंगे कि जनता के लिए काम करना है, जनता के सहयोग से यहां तक पहुंचे हैं, उन्हीं के हितों के लिए आवाज उठानी है, और विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस आरोप लगा रही है लेकिन प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। ईआरसीपी कांग्रेस की योजना है ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बनी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की योजना है और कांग्रेस से अपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। उसको हम पूरा करेंगे। हमने सरकार में बैठते ही प्रयास किया और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक, जल शक्ति मंत्री, सब लोग तत्पर हैं कि कैसे ईआरसीपी को धरातल पर उतारा जाए। और उसका नमूना आपने देखा है कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री खुद राजस्थान आ रहे हैं, यहाँ आकर के उसकी कितनी अहमियत है, और वो हमारे मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं और साथ जाकर के और दिल्ली में एमओयू कर रहे हैं। इसका मतलब हम कितने गंभीर हैं और इसके लिए निश्चित रूप से जिस तरह से 2,80,000 हेक्टेयर में कृषि के क्षेत्र में ये एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा कि इतनी बड़ी हमारी ये परियोजना जब धरातल पर उतरेगी और 13 जिलों को पेयजल मिलेगा और जल जीवन मिशन के माध्यम से निश्चित रूप से इससे परियोजना बना करके और घर घर जो नल से जल पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी का सपना है वो भी पूरा होगा, और हर खेत को पानी पहुंचाने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो भी पूरा होगा। एक बहुत बड़ा काम कल ये ऐतिहासिक दिन है जो ये ईआरसीपी पर एमओयू हुआ है, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ से जल शक्ति मंत्री है जो इस काम को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर बोल के गए कि हम जल्दी से जल्दी इसको कराएंगे, तो निश्चित है कि ये काम धरातल पर भी उतरेगा। और कांग्रेस केवल अपना पिछले समय इन्होंने जो इसको मुद्दा बनाया था उसके लिए अभी भी ये केवल मुद्दा बना रही है, बाकी इसको ईआरसीपी का काम भारतीय जनता पार्टी के इसी कार्यकाल में धरातल पर उतरता हुआ आप सब देखेंगे। ईआरसीपी से जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्होंने ये कैंपेन चलाया था, जागरूकता अभियान चलाया, उनका कहना है कि जिस तरह डीपीआर वसुंधरा सरकार के समय बनाई गई थी उन शर्तों के आधार पर ये एमओयू नहीं हुआ है, पानी की मात्रा है वो कम कर दी गई है राजस्थान के। 2,80,000 हेक्टेयर में हम पानी देने का जो इसमें प्रावधान रखा है, 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने का है, जितने इसमें तालाब थे बड़े, जितने पौंड थे उनको सबको पानी देना है, उसके माध्यम से वाटर टेबल ऊपर आएगा। और आने वाले समय में निश्चित है देखो ये इंटरस्टेट परियोजना है, दोनों राज्यों की सहमति से ही ये धरातल पर उतर सकती है, और इसके लिए निश्चित रूप से जब दोनों राज्य सहमत हुए हैं उसका एमओयू आया है तो उसका वर्षों तक लाभ राजस्थान को मिलने वाला है, जहाँ हम पिछड़े हुए थे और पानी के मामले में राजस्थान अंतिम राज्यों में शामिल होता है। तो निश्चित है कि इस तरह के अंतर्राज्यीय समझौते करके हम राजस्थान को पानी उपलब्ध होगा, हमारे उद्योग भी सरसब्ज होंगे, पेयजल भी मिलेगा और कृषि को भी इससे पानी मिलेगा, और बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए
हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, निर्देश से हमारे जल शक्ति मंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों ने किया है, तो ये निश्चित रूप से पूरा भी होगा और ये सपना साकार होते हम सब देखेंगे भी।